क्या नाम क्या है तुम्हारा? गंगोत्री। हाँ गंगोत्री, तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें देख क्यों रहा हूँ। नहीं नहीं, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ देख क्यों रहा हूँ। तो? मेरा दिल चाह रहा है कि 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 मैं तुम्हें समा जाऊँ। और मैं भी। तुम? जी। समा जाओ? जी। मुझ में? जी। समाओ जी? हाँ? नहीं नहीं, तुम मत समाओ, मैं ही समा जाऊंगा। कोई देख लेगा। अरे तुम्हें कौन देखेगा? मतलब यहाँ गार्डन में कोई नहीं है ना? कोई भी तो नहीं है आसपास? अरे कहाँ है कोई आसपास भाई? यही तो, ऐसे थोड़ी बैठते, जो गलत सलत काम करते हैं ना वो झाड़ी में जाके बैठते हैं। चलो ना झाड़ी में चलते हैं। क्या मतलब झाड़ी झाड़ते वो देखो गंदगी में गंदा काम कर रहे हैं। आना 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 गंगो, आना गंगो, आना आना तबे जा आना। नहीं मुसु डार्लिंग, कहीं कोई कुछ हो जाएगा तो? अरे कुछ नहीं होगा, आना प्लीज। अरे प्लीज नहीं, पुलिस पुलिस। यही तो। नहीं, हम कहाँ कुछ कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं कर रहे थे बेटा, सब हमने देखा है। तुम लोग सरकारी जगह पे गैर सरकारी काम कर रहे थे। अरे शर्म नहीं आती किसी मर्द के साथ खुलेआम? नहीं नहीं, देखिए हवलदार जी। एक मिनट चुप। नाम क्या है तुम्हारा? मुसद्दीलाल पचौरी। ए तुम्हारा नाम क्या है? ये गंगोत्री पचौरी, ये मेरी वाइफ है। झूठ बोल रहा है, ये इसकी वाइफ हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी फर्स्ट वाइफ है। अच्छा, वाइफ को लेके गार्डन में घूमते हो? क्यों, वाइफ को लेके आदमी गार्डन में नहीं घूम सकता? शुक्ला जी तुम्हें क्या लग रहा है, आदमी सच बोल रहा है? मैडम ये आदमी एकदम सच नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी वाइफ है। तो इसका मंगल सूत्र कहाँ है? मंगल सूत्र ये क्या है कि वो जब गार्डन में आती है तो मंगल सूत्र पहन के नहीं आती। अच्छा बेटा, अब मांग में सिंदूर कहाँ है? जब मांग ही नहीं है तो सिंदूर का कितनी बार कहा है तुझे? मांग निकाला कर, सिंदूर भरा कर, चल आ जा। चलो। पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? गार्डन में गलत काम करते हो? कहाँ गलत, अपनी वाइफ के साथ आना गलत काम है? आप खामखा पब्लिक को हैरान कर रहे हैं। देखिए आप पुलिस स्टेशन चलिए, वहीं चल के बातचीत होगी। क्या बातचीत होगी? वहीं चल के पता चलेगा। देखिए पर एक मिनट, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। समझाइए। अब मैं कैसे समझाऊं? देखिए उषा जी, आप इनसे समझिए, मैं इनसे समझ लेता हूँ। क्या नाम बताया आपने अपना? गंगोत्री। शुक्ला जी। जी मैडम। पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं समझाएंगे। ठीक है चलो चलो। एक मिनट, बात सुनो भाई, मेरी बात तो सुनो, मेरी एक सेकंड बात सुनो भाई साहब, प्लीज प्लीज। बोल, लड़की छेड़ेगा दोबारा? सर मैंने लड़की को नहीं छेड़ा। झूठ झूठ। सर आप चाहो तो लड़की से पूछ लीजिए। उससे क्या पूछूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, छेड़ रहा था तो लड़की। बोल करेगा ऐसे? बोल सर, कैसे छेड़ सकता हूँ, वो बहन है मेरी। क्या बहन है? हाँ। ओ बहन को छेड़ता, ये हिंदुस्तानी कल्चर है। बोल पटेल, इसे अंदर ले जाओ, लंबा जाएगा बेटा तू। लेकिन सर चिंता मत करो, ये लंबा जाएगा। पर वो मेरा भाई है। क्या? हाँ। तो झूठ बोल रहे हो उसे बचाने के लिए? नहीं सच, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो मेरा भाई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा अंदर चल के समझाओ। चल चल अंदर चल। देखिए देखिए भाई साहब, भाई साहब देखिए सुनिए, देखिए हम वहाँ पर टोटल काम खुलेआम। देखिए हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे थे, अब अपनी बीवी के साथ गार्डन में बैठना कोई गलत काम तो है नहीं। कितने साल हो गए शादी के? कितने साल हो गए, ये कोई 7 साल हो गए हैं। 7 साल बाद बीवी के साथ गार्डन में बैठे थे? हाँ भैया, 7 साल बाद तो हस्बैंड वाइफ जो है घर में नहीं बैठते, ये गार्डन में बैठे थे। नहीं पर बैठे थे हम लोग, सच में हम हस्बैंड वाइफ हैं। ए मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। वो तो घर पे है ना। चलिए घर चले जाते हैं। नहीं देखिए देखिए, अब यहीं पे बात कर लीजिए, है ये मेरी बीवी। झूठ बोल रहे हो? झूठ बोला तो मार मार के मारूंगा। नहीं नहीं मारिएगा मत, बात ये है कि ये मेरी पहली पहली गर्लफ्रेंड है। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? उम्र तो अभी पता चलेगी, जब बड़े साहब आएंगे तब। तो हम लोग देखिए गलत तो कुछ कर नहीं रहे थे, हम तो गार्डन में बैठे हुए थे ना। गार्डन में बैठना तो वैसे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते। नाटक नहीं करना, चलो बैठो चलो। देखिए आप मेरी बात, तू बोल ना कुछ गंगो। जाने दीजिए ना, हम दोबारा वहाँ कभी नहीं जाएंगे। तूने तो मुझसे कहा था कि गार्डन में रोज सुबह मुझे मिला करेगी। नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगी, जाने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे जाने दे गंगोत्री बहन, आप लोग वहाँ बैठिए, बड़े साहब आएंगे तब छोड़ेंगे। हटे अभी हम लोग। क्या गंगो, तू सच में मुझे वहाँ नहीं मिलेगी? नहीं मिलूंगी, पहले यहाँ से तो निकले। ये तो कुछ नहीं है, तो हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है। तो तुम ही दे दो। अकेले? हाँ। तो फेल हो जाऊंगा ना? तो हो जाओ फेल, पर मेरा पीछा छोड़ दो।
शुक्ला ऐसे ही मत छोड़ना। अरे ऐसे कैसे पटेल, यानी एक मोटी है एक मोटी आसामी। तुम्हें कैसे पता? अबे कले में चेन नहीं दिख रहा है और अंगूठी जेब में वॉलेट भी होगा। माल नहीं होगा उसमें। क्यों? अबे जब लड़का लड़की को लेके पार्क में जाता है ना, या तो पैसे रखता ही नहीं है, अगर रखता है तो खर्च हो जाते हैं, लड़कियां खाती बहुत है ना। अच्छा एक्सपीरियंस है। अरे भाई हवलदार साहब। क्या है बे? हमको जाने दें प्लीज। नहीं भैया जब तक बड़े साहब नहीं आए थे तब तक तो नहीं। देखिए गंगोत्री रो रही है, जाने दें प्लीज। आज बाप क्या कर दिया, कुछ कर दिया तो नहीं ऑफिस में ही? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया साहब, बिल्कुल कुछ नहीं किया, हमें जाने दें प्लीज। नहीं भैया ऐसे नहीं जाने देंगे। तो कैसे बताइए ना। अरे अब हम क्या बताएं, आप खुद पढ़े लिखे हैं, समझिए और समझिए। देखिए मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, जाने दें प्लीज। नहीं भैया पहले बड़े साहब आएंगे, रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद आपके माता पिताजी को यहाँ बुला जाएगा तब। अरे नहीं नहीं। हाँ हाँ भाई उन्हें बताना पड़ेगा ना कि उनके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा ऐसा मत कीजिए, ऐसे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। नहीं भैया नहीं। भाई आप समझ ही नहीं रहे हैं। अरे कमाल के नहीं, आप हमको नहीं समझ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम आपको समझें। तो भाई आप ही समझा दीजिए फिर। अरे भैया ये हमारे बस की बात नहीं। पटेल तुम समझाओ, हम आते हैं जरा पान खा के। ठीक है आओ बैठो बैठो, बैठ कर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मुसद्दी लाल पचौरी। कहाँ रहते हो? ये वहाँ वो कलेक्टरगंज। क्या करते हो? ये कुछ नहीं करता हूँ, बस ढूंढता हूँ। अच्छा ये सब कब से चल रहा है? ये जब से कॉलेज पास किया है बस तभी से चल रहा है। अच्छा मतलब कॉलेज छोड़ा है तब से घूम ही रहे हो बस यहाँ वहाँ? हाँ बस मिलती नहीं है, ढूंढता ही रहता हूँ। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, आज मिल गई और पकड़े गए। क्या छोकरी? नहीं साहब मैं तो नौकरी की बात कर रहा था। मैं जोकरी की बात कर रहा था। ये नाम क्या है उसका? ये गंगोत्री गुप्ता। कहाँ से लैट? वास मंडी। वहाँ मिली? नहीं नहीं मिली तो गार्डन में, वास मंडी में रहती है साहब। और घर वालों को पता? जी नहीं छुपके मिल रहे थे। और कंपनी बाग में एग्जैक्टली क्या कर रहे थे? कुछ नहीं साहब बस बातें ही कर रहे थे। देखो सच बोलो वरना दो बातें हो जाएगी, या तो हम तुम्हारी बात मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। मानने का तो सवाल नहीं पैदा होता, और नहीं मानी तो दो बातें होंगी, या तो हम मार मार के बात उगलवाएंगे या तो प्यार से उगलवाएंगे। मार मार के उगलवाया तो ठीक, मगर प्यार से उगलवाया तो। भाई साहब आप जानते होंगे कि हमारा प्यार मार से भी भारी होता है। ये साहब हम तो क्या हम तो वहाँ बस ओके क्या 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 सर, सच बात यह है कि मैंने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और मैं उसको किस करने की बस कोशिश ही कर रहा था सर। किया किया? नहीं सर। क्यों? शुक्ला जी आ गए ना सर। अच्छा उन्होंने किया? नहीं नहीं सर उन्होंने नहीं किया है सर। सर हमने कोई गड़बड़ नहीं की, हमें जाने दीजिए प्लीज। भाई हम तुम्हारी बात कैसे मान लें कि तुमने कुछ नहीं किया? सर मान लेना प्लीज। भाई क्या है कानून है ना, सबूत मांगता है। अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मेडिकल चेकअप होगा कि तुमने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। अच्छा मत कीजिए साहब, बड़ी बदनामी हो जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अरे डरते क्यों, गड़बड़ी नहीं की है ना तुमने, तो फिर क्यों डरते हो भाई साहब? घर वालों को पता चल गया ना तो पिताजी बहुत मारेंगे और मार मार के निकाल देंगे घर से। क्या है उन्हें तो बताना ही पड़ेगा, ये केस लंबा हो गया है ना। आप ऐसा कीजिए हमें छोड़ दीजिए, घर वाले चिंता कर रहे होंगे प्लीज। नहीं नहीं क्या है, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। कोई तो रास्ता होगा साहब। एक रास्ता है। क्या? 10,000। क्या? हाँ भैया इसने कम में बड़े साहब नहीं मानेंगे। नहीं पर इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। नहीं है? नहीं है? नहीं है। क्या? ये चैन सोने की है? ये सच बोलना? नहीं साहब ये तो वो सोने से कम नहीं और गुम जाए तो गम नहीं वाली है साहब। क्या कह रही है? नहीं मतलब गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए पहनी हुई है सर। और ये अंगूठी? अंगूठी तो सर 10 रुपए की है, ले लीजिए। नहीं चाहिए सर। तो फिर मुझे जाने दीजिए प्लीज। नहीं भाई पहले तो मैं रिपोर्ट लिखूंगा। अरे यार पटेल साहब प्लानिंग चौपट हो गई, ये ट्रेन तो एकदम बेचैन कर दिया भाई। नहीं देखिए पर नहीं भैया आप तो टकरा केस बनेगा। देखिए और वो भी बलात्कार का केस, रेप का केस। क्या? हाँ कि तुम गार्डन में एक लड़की के साथ रेप कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे। क्या? आप तो रिपोर्ट लिखेंगे और फिर बड़े साहब वेरीफाई करेंगे। पटेल। हाँ सर। अंदर आओ जरा। जी सर आप यहाँ पर बैठिए। शुक्ला जी कहाँ ना बैठो यहाँ पर। अरे अरे ये गंगोत्री कहाँ चली गई? अरे कहाँ बह गई गंगोत्री? ठीक से काट वरना मैं तुम्हें काट दूंगी। गार्डन में इलीगल काम करती हो। अरे मेरी मैडम आप मेरी गंगो से सब्जी कटवा रही हैं। तो क्या कटवाऊं? नहीं नहीं ये तो मैं काट देता हूँ, ला गंगो मैं काटता हूँ। तुम सब्जी काटना जानते हो? हाँ मैडम मैं आपकी पूरी सब्जी काट दूंगा, बस आप हमें जाने दीजिए प्लीज। देखिए गंगो तो बिल्कुल रो रही है। रो मत, रो मत, रो मत।
पापा मारेंगे। बहाना बना के आई थी कि स्कूल जा रही हूँ, स्कूल कब का छूट चुका है। तू रो मत, कोई बात नहीं मैडम, प्लीज आप हमें छोड़ दीजिए, हम आज के बाद कभी कंपनी बाग में नहीं मिलेंगे। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कौन कर सकता है? पांडे जी। पांडे जी कुछ कर सकते हैं? हाँ, पर अभी नहीं, अभी वो कुछ कर रहे हैं। अच्छा। पटेल, लड़के को छोड़ दो और सुनो, उसे समझा दो ना कि आइंदा से लड़की ना ठहरे, समझी? चल। ये पांडे जी? हाँ। ये कुछ कर सकते हैं? हाँ, जाओ जाके पैर पकड़ो। अच्छा अच्छा। अरे अरे, अभी मत, अभी सब्जी काटो। गंगो काटेगी ना, गंगो सब्जी काट, मैं पैर पकड़ के आता हूँ। पांडे जी। कौन है बे? पांडे जी मैं हूँ जी। आप कौन? जी मेरा नाम मुसद्दीलाल पचौरी है जी, वो मैं कंपनी गार्डन में बैठा हुआ था तो शुक्ला जी मुझे पकड़ लाए जी। अकेले बैठे थे? नहीं, खैर अकेला तो नहीं बैठा था। तो? मैं गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था जी। ओ, सामाजिक जगह पे गैर सामाजिक गतिविधि? नहीं सर, विधि तो हो रही थी पर उसमें कोई गति नहीं थी सर। होगी कैसे, हमने तमाम गतिविधियों पे गतिरोधक लगा दिए। जी जी पांडे जी, देखिए अब गलती हो गई मुझसे, छोड़ दीजिए मुझे। भैया गार्डन में क्यों गए थे? वो तो मैं गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था जी। सर जी ये झूठ बोल रहा है सर जी, ये एक लड़की समान औरत के साथ झाड़ी में झाड़ फूक कर रहे थे जनाब। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। क्या है पांडे जी, मैं ज्यादा ज्यादा उसको किस करने की कोशिश कर रहा था और ये देखिए पटेल साहब कहते हैं कि मैंने बलात्कार कर दिया उसका। हाँ तो वो कर रही होगी बलात्कार। नहीं नहीं ऐसा नहीं है पांडे जी, ऐसी को पहली बार मिले हम लोग, दोबारा कभी मिलेंगे नहीं। चलिए। अरे भैया जब यहाँ से जाओगे तब तो दोबारा आओगे। ऐसा मत कहिए शुक्ला जी, प्लीज देखिए छोड़ दीजिए। 10,000 नहीं नहीं मेरे पास। शुक्ला इनके माँ बाप को यहाँ बुलाओ। अरे ऐसा मत करिए प्लीज पांडे जी, ऐसा मत करिए, मेरे पिताजी बहुत मारेंगे मुझे और बदनामी अलग होगी उनकी। आप दे नहीं रहे तो छोड़ेंगे कैसे और उनके बगैर बुलाए सेटलमेंट कैसे होगा? अरे एक बार गलती होगी दोबारा कभी नहीं होगी। ना ना भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो बड़े साहब से मिलना पड़ेगा। बड़े साहब? अच्छा तो बता दीजिए बड़े साहब कहाँ हैं, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा। भाटिया जी अंदर जाओ जी। थैंक यू। शुक्ला सर, ये तो समझ नहीं रहा इसके साथ कौन थी, उसे बुलाओ उसे ही समझा दे। वो जो बैठी हुई है डप्पो सब्जी काट रही है वही है, इनके साथ भेज दूं समझाएंगे। वो? हाँ वो। मैं पागल हो गए हो क्या, वो तो हमें ही समझा देगी। अब हम क्या समझाएं पांडे जी को, आप समझिए, एक लड़की के साथ गार्डन में। छी छी छी। देखिए देखिए भाटिया जी, मैं उस लड़की के साथ पहली बार गार्डन में गया था, पहली बार मैंने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार मैं क्या किया क्या किया? नहीं कुछ किया नहीं सर। नहीं लगा आपके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज है उसमें तो बलात्कार सेक्सुअल हैरेसमेंट पता नहीं क्या क्या केस बने हुए। सर ये सब झूठ है सर। हाँ वो तो मेडिकल चेकअप करेगा फिर पता चल जाएगा। पर मेडिकल चेकअप क्यों, जब कुछ हुआ नहीं तो मेडिकल चेकअप क्यों? अरे जब कुछ हुआ ही नहीं तो मेडिकल चेकअप क्यों नहीं? फिर डरते क्यों? नहीं साहब मैं डरता नहीं हूँ, मतलब मुझे अपना डर नहीं है, मेरी बदनामी होगी चलो ठीक है, लेकिन वो लड़की है। कौन? वो गंगोत्री है। वो लड़की है? नहीं है तो लड़की। अरे औरत जैसे दिखती है फर्स्ट क्लास। जी वो क्या है, वो थोड़ी औरत टाइप की लड़की है सर। कुछ भी है लेकिन ऐसे कानून नहीं तोड़ सकते आप। आप एक माफीनामा लिखिए, उसमें लिखिए कि मैं अब कभी भी किसी भी लड़की के साथ किसी भी गार्डन में नहीं बैठूंगा। सर किसी क्या, मैं तो इसके साथ भी कभी नहीं बैठूंगा। ठीक है तो चिट्ठी के साथ 10,000 रुपए दीजिए। सर 10,000 कहाँ से लेके आऊं सर, मेरे पास है ही नहीं है, जो कुछ थोड़े बहुत थे यहाँ वहाँ वहाँ वो इन्होंने ले लिए। अरे पर वो तो घर से मंगाओ। घर से मंगाओ, मंगा सकता हूँ लेकिन पिताजी को पता चल जाएगा तो बहुत मारेंगे सर। दोस्त से मंगाओ। दोस्त अब कौन देगा, सोचो सोचो कोई तो होगा दोस्त। एक है तो लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो ठीक है फिर आप जाओ और लड़की को यहीं छोड़ जाओ हमारे पास। नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगी अकेली। अरे देख भाई तू चिंता मत कर, मैं यूं गया और यूं नहीं आए तो क्या? हाँ तुम मुझे यहाँ छोड़ के चले जाओगे। तुम्हें कैसे पता? क्या नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आ जाऊंगा। नहीं मैं भी साथ चलूंगी। देखो हम दोनों में से किसी एक का यहाँ रहना जरूरी है। तुम यही रहो मैं जाती हूँ। तुझे पता है कहाँ जाना है? अरे बता दो ना, ले आएगी पैसे। नहीं आई तो तुम तो हो ना हमारे पास। हाँ बोलो कहाँ जाना है। अरे तू जा पाएगी? हाँ। अच्छा पते का पूरा देखा है? हाँ देखा है। क्या करने गई थी वहाँ? मेरी सहेली रहती है। अच्छा अच्छा देख वहाँ पे जब हम घुसते हैं ना तो घुसते ही लेफ्ट ले लेना, तो पहला मोड़ आएगा। हाँ। तो वहाँ मत मुड़ना। दूसरा मोड़ आएगा। हाँ। वहाँ मत मुड़ना। तीसरा मोड़ आएगा। वहाँ मत मुड़ना। वहाँ मुड़ जाना। वहाँ दो मकान छोड़ के मेरा दोस्त रहता है अप्पू अवस्थी, उससे कहना मुसद्दी ने 10,000 रुपए मंगाए हैं। समझ गई? मेरी तो समझ में नहीं आया, इसकी समझ में पहले आ गया। चल जा जल्दी जा। मैं यूं गई और यूं आई। पता नहीं यूं कैसे जाएगी और यूं कैसे आएगी।
आई? कहाँ? घर नहीं मिल रहा होगा। अरे नहीं, वो तो ऐसी है जिसका घर ना भी हो उसका भी ढूंढ ले। तो कहाँ गई? भाग गई। क्या? हाँ? तो तुम गए जेल। क्या? ये इतना? अरे इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो उसे भेजा है ना। हाँ, हमें क्या पता कहाँ भेजा है? सर, इसकी प्लानिंग होगी कि तू जा, बाद में ये कुत्ते के बच्चे तो हमें छोड़ ही देंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा है। हाँ ऐसा ही लग रहा है। हमें क्या पता, शुक्ला जी अंदर करो इसे। देखिए 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 देखिए, मैं जितनी देर गार्डन में उस लड़की के साथ नहीं बैठा हूँ उससे ज्यादा देर तो यहाँ थाने में आप लोगों ने मुझे बिठा लिया, छोड़ दीजिए प्लीज। एक मिनट, कानून इस कानून, पैसे देते हो या फिर? अरे पैसे नहीं है ना मेरे पास, मुझे दोस्त के यहाँ जाने दीजिए। हाँ तो उसे बुलाइए यहाँ, उसके यहाँ फोन नहीं है। कोई बात नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता, बंद कर दो इसके अंदर। अरे ऐसा मत कीजिए भाटिया साहब प्लीज, मेरे घर वालों की बड़ी बदनामी हो जाएगी, मेरे पिताजी की तो सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारा बाप सीएम है। नहीं सीएम तो नहीं है। तो क्या डीएम है? नहीं डीएम नहीं, वो तो हलवाई है। क्या? हाँ सारे एकदम। क्या नाम क्या है तुम्हारे पिताजी का? जी मुसद्दीलाल पचौरी सीनियर। ओ, तो तुम मुसद्दीलाल पचौरी के बेटे हो? हाँ जी। जिनकी कचौरी बहुत मशहूर है? हाँ जी, और गाजर का हलवा भी सर। तो पहले क्यों नहीं बताया? क्यों पहले बता देता तो आप छोड़ देते? नहीं छोड़ता नहीं, पहले पिताजी को बुला लेता ना। क्या? चलो फोन लगा फोन। देखिए सर बहुत मार पिटेगी। अगर नहीं लगाया ना तो हम बहुत मारेंगे। हेलो पिताजी, यहाँ मुसद्दीलाल बोल रहा हूँ। वो पिताजी नहीं, क्या हुआ कि मैं सुबह काम के लिए निकला था तो वहां पे मैं फंस गया। पिता बहुत डांट रहे हैं मुझे, जाने दो प्लीज। हेलो, हाँ मुसद्दीलाल पचौरी जी नमस्ते। हाँ मैं सब्जी मंडी थाने का थानेदार भाटिया बोल रहा हूँ जी। हाँ तो ऐसा है कि आज क्या क्या बनाया, क्या 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 है? कचौरी, हाँ और समोसे, हाँ हाँ चिक्की भी, हलवा भी। अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो एक काम कीजिए, ये सारी चीजें हाँ आप एक साथ ले आइए और साथ में 5,000 रुपये भी लाइए। क्यों? क्योंकि आपके जूनियर जो है यहाँ पे बंद है। जल्दी आएगा, अगर चोरी ठंडी हो गई ना तो आपके बेटे को गर्म कर दूंगा एकदम। हाँ ओके। क्या सर, आपने 5,000 रुपये कम क्यों मंगवा लिए? अरे यार हलवाई कोटे में 50% डिस्काउंट देता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। बस दी चिंता मत कीजिए, पिताजी आ ही रहे होंगे जी। अबे नालायक, मेरे खानदान का नाम खराब करता है, पुलिस स्टेशन नहीं आया तू? गलती होगी पिताजी, आइंदा नहीं करूंगा, मारो मत। वो भी एक लड़की की वजह से? क्या कर रहा था वहाँ कंपनी बाग में उसके साथ? कुछ नहीं, वहाँ बैठा था। बस बैठा था मतलब बातें कर रहा था। सिर्फ बातें? मतलब हाथ पकड़ा था। सिर्फ हाथ पकड़ा था? वो क्या, ठीक से बता। वो की क्या? वो किस करने की कोशिश कर रहा था। क्या? हाँ। तो कोशिश की सिर्फ? हाँ। तो पकड़ा गया? हाँ। अबे नालायक गधे, जब कोशिश ही कर रहा था तो किस कर ही लेता उसको। क्या? अबे सिर्फ बातें करने के 5,000 रुपये खर्च करवा दिए। बातें करने का ही शौक था तो मुझे बताता, मैं चलता तेरे साथ कंपनी बाग में बात करने फ्री। गलती होगी पिताजी, आइंदा कोई देखेगी ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। चल 6,000 रुपये खर्च करवा दिए। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। 12 आना नहीं, गिलास तोड़ा 6,000। क्या? हाँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.